2500 रुपए का इनामी तस्कर को जिला पुलिस स्पेशल टीम और दरगाह थाना पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। अलग अलग राज्यों में वेशभूषा नाम पता बदलकर काट रहा था फरारी, लंबे समय से था फरार, अजमेर आने पर पुलिस ने दबोचा। शुक्रवार को अजमेर जिला पुलिस स्पेशल टीम और दरगाह थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहे कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अलग अलग राज्यों में जाकर अपना नाम पता वेशभूषा बदलकर फरारी काट रहा था। टीम को आरोपी के अजमेर पहुंचने की सूचना मिलने पर उसे आज जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से मामले में उसके अन्य साथियों के बारे में भी पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी सिटी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने शुक्रवार को मीडिया कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस थाना दरगाह में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार कुख्यात इनामी स्टेशनर वसीम हाशमी को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया। जिला स्पेशल व दरगाह थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके निवास स्थान सहित अन्य संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। शुक्रवार को आरोपी के अजमेर में होने की सूचना मिलने पर टीम ने कार्रवाई करते हुए लाखन कोटड़ी निवासी 30 वर्षीय वसीम हाशमी पुत्र तकी हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम ने पूर्व में हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी दबिश दी थी। आरोपी अलग अलग राज्यों में जाकर अपना नाम पता वेशभूषा बदलकर फरारी काट रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल सीताराम और कांस्टेबल रामनिवास का विशेष योगदान रहा। एडिशनल एसपी श्री दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी वसीम हाशमी कुख्यात इनामी शीटर है, जिस पर 2500 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में विभिन्न थानों में 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, मारपीट और मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमे हैं। वर्तमान में वह 2 मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। अभी हमारे जिला स्पेशल टीम द्वारा, चूँकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो एसपी साहब के डायरेक्शन में जितने भी मफरूर और इस तरीके से वांटेड लोग हैं, उनकी तलाशी की अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत ही हमारे दरगंज थाने में एक बहुत ही मुलजिम जो है वसीम हाशमी, ये काफ़ी समय से मफरूर था और इस पर 2500 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था जिले द्वारा, और इसकी तलाशी के लिए अलग अलग टीमें बॉम्बे, हैदराबाद और अन्य स्टेट्स में गई थी, उसके बावजूद भी ये नहीं मिल पाया था। तो हमारी जो स्पेशल टीम है यहाँ की, जिसमें शंभू सिंह पुलिस निरीक्षक, रणबीर सिंह एएसआई, शंकर सिंह, सीताराम, रामनिवास, मुकेश टांडी, गजेंद्र, सुरेश और पूरी टीम द्वारा इतना शानदार काम करके उसको उठाया गया, जो कि आज 2 मुकदमा में अभी भी वॉन्टेड है, उसमें उसको गिरफ्तार किया गया और उसको पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। और इससे पहले ये करीब 11 मुकदमे इसके खिलाफ हो चुके हैं, इसमें हत्या का और हत्या के प्रयास के भी मुकदमे दर्ज हुए। अभी कहाँ से पकड़ा है सर इसको, कहाँ फरारी काट रहा था ये फरारी? अभी बॉम्बे और हैदराबाद इस साइड से काटता हुआ, हमें बहुत ही मुखबिर से इस तरीके सूचना मिली है कि उसकी अजमेर में एंट्री हुई है, और उस पर सारे उसके फ़ोन स्विच ऑफ होने के बावजूद भी हमारी टीम द्वारा बहुत मेहनत से उसको ट्रेस किया गया। अभी कुछ नहीं मिला है, लेकिन अभी उसको पुलिस रिमांड पे लिया जा रहा है, रिमांड के दौरान जो कुछ होगा सूचना कलेक्ट होगी। इसके खिलाफ 11 मामले थे, लेकिन 2 में ये वांटेड था। यहाँ पे ये रहने वाला अपने यहीं का है, कोटड़ी, अभी फिलहाल ये कोटड़ी इलाके में रहता है, लेकिन ये हाशमी चौक है, ये हाशमी मंजिल लंगर खाना के पास का रहने वाला। इसके मैक्सिमम जो केसेस है वो एनडीपीएस के ही हैं, और चूंकि इसकी पूरी एक गैंग है जो कि मादक पदार्थ में काम करती है, तो हो सकता है हमें इससे लीड मिले कि ये मादक पदार्थ कहाँ से लाता है और किसको सप्लाई करता है। अभी जिस मामले में इसको अरेस्ट कर रहे हैं, इसमें इसकी क्या भूमिका? इसकी मुख्य भूमिका रही है जिसमें ये वॉन्टेड रहा है, और इस पर इसी वजह से इस पर 2500 रुपये का इनाम किया, क्योंकि एनडीपीएस में यही सप्लायर था उस समय।